हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर से हम बनाएंगे नवरात्रि स्पेशल आलू की भाजी, जो बिल्कुल हम नवरात्रि पे स्पेशली बनाएंगे और बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा गैस को कर देंगे ऑन और मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे थोड़े से हाफ टी स्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, जो काले वाले सरसों होते हैं उन्हें डाल के अच्छे से गर्म होने देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक के बारीक कद्दूकस करके, और 2-3 ग्रीन चिली को हम बीच से उसको पार्ट कर देंगे और उसमें ऐड करेंगे। अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें हम 8-10 करी लीव्स, बिल्कुल फ्रेश करी लीव्स डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को एक बार गर्म होने देंगे। जब अच्छे से हिट हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 उबले हुए आलू को हम अच्छे से उसमें क्रस करके तोड़ देंगे पार्ट में और उसमें हम डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में यूज़ करते हैं सेंधा नमक, वही हमें डालना है। 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून बिल्कुल घर का बना हुआ शुद्ध गर्म मसाला हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल मार्केट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिक्स होती हैं जो कि हम व्रत में नहीं ले सकते हैं। तो ये मैंने घर का बनाया हुआ यूज़ किया, आप इसको स्किप भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास घर की बनी हुई गर्म मसाले नहीं हैं तो। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और अब इस सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बनाने में बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगता है दोस्तों, सारी चीज़ें रेडी हो 5 मिनट्स में ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा। और अब इसमें हम पके हुए 2 टमाटर को अच्छे से काट लेंगे टुकड़ों में और इसमें ऐड करेंगे, और टमाटर डाल के बस 2 से 3 मिनट इसे पकाना है और ये हमारा आलू की भाजी जो है नवरात्रि स्पेशल बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम फटाफट से। तो इस तरीके से प्लेट में गर्मा गर्म आलू की भाजी लगाइए और आप इसको सिंघारे के आटे की पूड़ियाँ तलिए और उसके साथ नवरात्रि व्रत में बिल्कुल आराम से खाइए दोस्तों। और बिल्कुल आपको फील भी नहीं होगा कि हम बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी खा रहे हैं, और बहुत ही ऑसम टेस्ट होगा इसका। तो इसे ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स इस नवरात्रि पे, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।